हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है फिफ्थ डे नवरात्रि का। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी जल्दी से और फटाफट से मैंने अपनी पूजा भी कर ली थी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ आरती करी है। जैसे अनाया को स्कूल भेजने से पहले मैं थोड़ी सी छोटी सी पूजा कर लेती हूँ, वो ताकि अनाया माथा टेक के जा सके स्कूल में। और बस अभी अनाया का लंच पैक करना है, बना के रख दिया है, बस पैक करके उसके बैग में डाल दूँगी। तो बस मैं फटाफट से आरती करके फिर बाकी के काम करना स्टार्ट कर दूँगी। और आप सबके घर में नवरात्रि की तैयारियां कैसी चल रही हैं? पूजा पाठ सब कुछ, कितना बिजी शेड्यूल होता है ना ये जब फेस्टिवल्स सारे स्टार्ट हो जाते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स अच्छा भी बहुत लगता है और बहुत मज़ा आता है, लेकिन काम भी बहुत सारे हो जाते हैं इन दिनों में। और दिवाली की सफाई भी साथ साथ चल रही होती है और बाकी पूजा पाठ। अभी करवा चौथ भी आने वाला है और मेरी कोई तैयारी नहीं है। वैसे तो मैं इतनी जल्दी तैयारी करती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं अनाया की स्कूल बॉटल में ना जल प्रसाद डाल रही हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, रात को जल प्रसाद भगवान जी के पास रख देती हूँ, वो जल प्रसाद बन जाता है। तो फिर इसकी पानी की बॉटल में डाल देती हूँ, चाहे ये घर पे हो, चाहे घर के बाहर जाए, चाहे स्कूल में हो, तो इसकी बॉटल में ज़रूर डाल के रखती हूँ। और यहाँ देखो, सारे कपड़े मैंने यहाँ सुखाने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि टॉवल स्टैंड पूरा फुल हो चुका है और काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए थे, क्योंकि जब पानी आता है मैं तभी एक साथ फिर कपड़े वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर अनाया का लंच पैक कर दिया, साथ में फ्रूट दिया है, बस इसका लंच बैग में मैंने डाल दिया है सब कुछ। और अब अनाया रेडी हो रही है। अनाया सबसे पहले सब कुछ रेडी करके एकदम तैयार रहती है और उसके बाद जाके लास्ट में एकदम चाय पी के जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं खाती है, सिर्फ एक या दो बिस्किट खा लेती है। भूख नहीं लगती इसको सुबह के टाइम पर। और टीचर का भी मैसेज आया था सभी मदर्स के लिए कि अपने बच्चों को ना हेल्दी डाइट देकर भेजा करो, मतलब कि स्कूल आने से पहले वो कुछ खा कर आएँ ऐसी चीज़ हेल्दी कि उनका पेट भी भरा रहे और उनका ध्यान पढ़ाई में जा सके, क्योंकि बहुत बच्चों की एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो जिस वजह से बहुत ज़रूरी है इनका सुबह के टाइम पर कुछ ना कुछ खाना। तो लेकिन अनाया कुछ खाती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कुछ खाती। और दूध हम इसको ज़्यादा देते नहीं हैं क्योंकि इसको सूट नहीं करता। और यहाँ पर अनाया मज़े ले रही है मेरे साथ, मेरे पेट पर आ रख के कहीं मोटा मोटा पेट। मास्क और हैंकी ले लिया ना? और तो नहीं कुछ रह गया तेरा? तेरे पानी की बोतल हो गई, लंच बॉक्स हो गया। लंच बॉक्स ले ले, मैं तेरा बैग उठा रही हूँ। कोई शीट वगैरह तो नहीं लेके जानी और फिर रह जाए? लेके जानी थी, मैं रख ली। रख लिया ना सब कुछ? कोई बुक भी तो नहीं रहती ना? तो अनाया को मैं नीचे कार में बिठा के आ गई थी और वो अपना अब चली जाएगी स्कूल। और अब मैं करूँगी कथा और माता रानी की चालीसा वगैरह सब पढ़ती हूँ, स्तुति वगैरह, और भी बहुत चीज़ें पढ़ती हूँ। अध्याय होते हैं 13 अध्याय, तो वो मैं फिनिश कर देती हूँ। आज मैंने 5वां अध्याय करना था, तो 5वें अध्याय से लेकर मैंने 13 अध्याय आज पूरे ख़त्म कर दिए। मतलब 5 से 10 करे थे सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर मैंने बाकी के 11, 12, 13 अध्याय भी कर लिए थे। मुझे था कि जितनी जल्दी ये मैं बुक फिनिश कर सकूं उतना अच्छा। सारी बुक नहीं पढ़ती हूँ, बस कुछ कुछ चीज़ें पढ़ती हूँ, जैसे ये दुर्गा स्तुति हो गई, दुर्गा देवी के 108 नाम, और बाकी मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ, ये क्षमा याचना जो होती है और ये जप मंत्र जो होते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय, ये सब पूरे पढ़ती हूँ। तो ये मैं अगर टाइम ज़्यादा हो तो मैं 11-11 बार पढ़ती हूँ, नहीं तो मैं एक एक बार ही पढ़ के बस ऐसे ही पढ़ लेती हूँ एक एक बार। तो बस इसके बाद फिर मैं बाकी के अपने अध्याय करती हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सप्तमी तक सारे अध्याय पढ़ लूँ। कुछ पेजेस ज़्यादा हैं कुछ अध्याय के, कुछ छोटे छोटे अध्याय भी हैं, और उस हिसाब से मैं अपना करती हूँ। जितना टाइम हो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसे पढ़ लेती हूँ। और बाकी एक और एक क्षमा याचना है, ये भी पूरा दोबारा से पढ़ती हूँ। और ये चालीसा है, इसे पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा, और उसके बाद विंध्येश्वरी चालीसा, ये भी पढ़ती हूँ। और उसके बाद फिर स्तुति आएगी, दुर्गा स्तुति, इसको पढ़ के फिर दुर्गा आरती होती है। बस ये होता है।
शादी से पहले तो मैं सारे फास्ट रखती थी और साथ मतलब सप्तमी तक फास्ट रखती थी और अष्टमी हमारे पूजे जाती थी। यहाँ पर भी अष्टमी पूजी जाती है, बहुत लोगों के घर में नवमी पूजी जाती है, तो सबके अपने घर का एक वो है, रिचुअल्स हैं। और बाकी यहाँ पे मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं और साथ में अब मनु की चाय भी चढ़ा दूँगी, मनु के नाश्ते की चाय, और बाकी के काम अपने साथ साथ करती रहूँगी क्योंकि आज मुझे करनी है अपने रूम की क्लीनिंग। तो सोचा कि उससे पहले मैं अपने सारे के सारे घर के जितने भी काम है वो सब करके फ्री हो जाऊँ। कपड़े भी फोल्ड करने हैं, काफ़ी सारे कपड़े हो चुके हैं, तो जितने मेरे से अभी हो पाएंगे उतने कर दूँगी, बाकी के फिर बाद में भी समेट दूँगी क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा हो चुके थे, नहीं टाइम मिल रहा था इतना भी कि मैं उनको फोल्ड भी करके रख दूँ। और कुछ कपड़े तो ऑलरेडी चेयर पर रखे हुए थे और टॉवल स्टैंड पर जो थे वो अलग थे, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे इस चक्कर में। और यहाँ पे अब मनु की चाय बन रही है और मनु से बोला था कि आते हुए सिर्फ दूध लेकर आना, और क्या बोला था, शायद ब्रेड बोली थी, नहीं ब्रेड नहीं बोली थी, सिर्फ दूध के लिए बोला था। और ये देखो दूध की जगह पनीर भी आ गया, कुलचे भी आ गए, और एक चीज़ और है वो शायद मैंने बाहर रखी हुई है, क्या थी वो मैं भूल चुकी हूँ, तो हमेशा ये एक्स्ट्रा चीज़ लेकर आते हैं, उनको मना करती हूँ कि भाई जो चीज़ मंगवाती हूँ सिर्फ वही लाया करो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ मत लाया करो, समेटना भी पड़ता है फिर उतना ही काम बढ़ता भी है, कई बार कुछ नहीं होता मन खाने का। अब जैसे ये कुलचा ले आए तो अब जैसे ये खा लेंगे, इनका अगर मन है तो एक दो कुलचा ये खा लेंगे, बाकी के जो तीन पड़े हैं ना वो कई बार वेस्ट भी चले जाते हैं, क्योंकि अनाया भी इतने शौक से नहीं खाती, मैं भी कम ही खाती हूँ कुलचा। कुलचा मुझे सिर्फ छोले के साथ अच्छे लगते हैं, पनीर के साथ कभी कभी खा सकती हूँ, बार बार मैं कुछ पनीर के साथ भी नहीं अच्छे लगते। तो बस दूध को साथ साथ उबालने के लिए रख दूँगी और साथ में इसकी चाय के अंदर भी मैंने ये वाला दूध डाल दिया था क्योंकि इससे पहले एक्स्ट्रा और कोई दूध नहीं पड़ा था मनु के लिए, तो इसलिए मैंने इसी में से चाय के लिए दूध निकाल दिया। और कभी कभी क्या होता है कि कुलचा ना वेस्ट ना जाए तो ज़बरदस्ती मुझे खाना ही पड़ता है, तो 1.5 पीस मैं खा लेती हूँ और 1.5 पीस अनाया को दे देती हूँ, लेकिन 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि वेस्ट चले गए हैं 2-3 पीस। और लेकिन कोशिश तो यही करती हूँ कि वेस्ट मेरे से कुछ भी ना हो। पहले मैंने सोचा था कि मनु के लिए आलू के परांठे बनाऊंगी नाश्ते के लिए, लेकिन मनु ने बोला कि पनीर की पैटीज बना दे, तो फिर मैंने वही बना के दे दी। वैसे सच बताऊं तो मैं ही भूल गई थी मनु को ऑप्शन देना कि मैं आलू उबाल रही हूं, अगर तुम्हें आलू के परांठे खाने हैं तो बता दो, लेकिन बिल्कुल ही माइंड से आज निकल ही गया था इनसे पूछना। लेकिन अब उन्होंने पैटीज बोल दी थी, फिर मैंने उनको दूसरी बार ऑप्शन दिया ही नहीं कि भाई खाने हैं परांठे कि नहीं खाने, तो मेरा थोड़ा सा काम भी बच गया इस चक्कर में, तो उन्होंने पैटीज़ खा ली। पैटीज़ थोड़ी जल्दी बन जाती है, ज़्यादा वो तामझाम नहीं करना पड़ता। और चाय तो बस बनने वाली है और यहाँ पे मैं पैटीज़ बना रही हूँ पनीर की, बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली पनीर पैटीज़ ना। और हमारे में ना श्राद्धों में और नवरात्रों में प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं, बहुत लोग श्राद्धों में यूज़ कर लेते हैं बट हमारे में बिल्कुल नहीं होते यूज़। तो नाया और मनु इतने बोर हो चुके हैं ना बिना प्याज का खाना खा खा के, वो कह रहे हैं कि अब बस सब हो चुकी है, उनको अच्छा ही नहीं लगता बिना प्याज का खाना। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना प्याज की अच्छी बन जाती हैं, लेकिन जो हम डेली बेसिस पे जो हर रोज़ कुछ ना कुछ बनाते ही हैं वो हर चीज़ अच्छी नहीं लग सकती है। जिनको आदत प्याज की होती है ना वो प्याज वाले खाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ये बात है कि बिना प्याज के अगर खाना बनाओ ना तो वो बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि प्याज का एक अलग ही टाइम लेता है, टाइम टेकन होता है थोड़ा सब्ज़ी वगैरह का, और अगर बिना प्याज के खाना बनाओगे ना बहुत जल्दी बनता है, मैंने ये चीज़ नोट करी है, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर खाना रेडी हो जाता है। और ज़्यादातर तो हमारा कुकर में ही बनता है, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो कढ़ाई में बनती हैं। और बाकी अब ये मेरी पैटीज़ मनु के लिए नाश्ते के लिए रेडी होने वाली है तो वो उनको दे दूँगी, साथ में सॉस बहुत अच्छी लगती है, और अगर हरी चटनी हो ना दही वाली हरी चटनी मज़ा ही आ जाएगा, यानी कि धनिए की जो चटनी होती है दही वाली बहुत टेस्टी लगती है, इतना सही कॉम्बिनेशन होता है ना, बट ग्रीन चटनी थी नहीं इस वजह से मैंने सिर्फ टोमेटो केचप के साथ दी है। वैसे तो मनु केचप वगैरह अवॉइड करते हैं चाय के साथ, लेकिन कभी कभी ले भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इसको ये जो है ना पैटीज मेकर, इसको मैं साथ साथ क्लीन करके रखती हूँ, थोड़ा सा नैपकिन गीला करके क्लीन करती हूँ ताकि वो साथ साथ क्लीन हो जाए, क्योंकि बाद में नहीं तो फिर उसके ऊपर जो भी ब्रेड का पनीर का कुछ भी लगा होगा या घी के निशान होंगे वो सब एक तो स्मेल भी करते हैं फिर बाद में, और अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, जिस वजह से मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ बिना देरी करे। तो अब मनु को मैं नाश्ता दे देती हूँ और उसके बाद लगती हूँ काम पे, मेड भी आ गई थी उसके साथ मिलके करूँगी काम।
कुछ दिन पहले मैंने सोचा था कि मैं डीप क्लीनिंग तो करवाऊंगी ज़रूर, लेकिन हर एक चीज़ के नहीं करवाऊंगी। जिन चीज़ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी नहीं आती, जैसे कि कुछ अलमारी होती हैं उनमें इतनी ज़्यादा मिट्टी तो पड़ती नहीं है, बस सामान जैसे तुमने सही से रखा हुआ है वो वैसे ही के वैसे ही पड़ा हो, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता तो मैं शुरू ही हो जाती हूँ कुछ ना कुछ काम लेके। और मैं ये सोचती हूँ कि हर साल हम सफाई करवाते हैं दिवाली की, हर साल, और पता नहीं फिर से कहाँ से इतना सारा कोई ना कोई कूड़ा इकट्ठा हो जाता है या फिर कोई भी ऐसे डिस्कार्ड करने वाली चीज़ सामने नज़र आ जाती है। वो क्यों आती है समझ नहीं आता, जब हर साल सफाई हो रही है तो क्यों हम हर चीज़ डिस्कार्ड करते रहते हैं, पहले ही क्यों नहीं कर देते सब कुछ, नहीं आता बिल्कुल समझ में मेरी तो ये पल्ले ही नहीं पड़ती चीज़। और ना मैंने यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस संभाल के रखे हैं, और ये है नए कुशन्स, ये हम पिछले साल लेकर आए थे दिवाली के टाइम पे, और ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हो जो मैं खाली कर रही हूँ, इसके अंदर सारा का सारा एक तरफ से देखा जाए तो कबाड़ इकट्ठा किया हुआ मैंने, छुटमुट चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं, क्योंकि अनाया और मैं मिलके कुछ ना कुछ छुटमुट चीज़ें DIY करने की सोचते रहते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि इतनी नहीं कर पाते जितना का हमने सामान संभाल के रखा हुआ है। तो जितने भी यहाँ पे खाली बॉक्स थे, जितने भी अमेज़ॉन से आते हैं या कुछ भी आते हैं, तो वो हम संभाल संभाल के रख लेते हैं जो चीज़ें हमें ज़रूरी लगती हैं। अनाया और मैं रोज़ दोनों सोचते हैं कि आज ज़रूर एक DIY ज़रूर करेंगे दिवाली से कम कुछ चीज़ें तो बनी जाए, लेकिन हम जब भी पहले से सोच के रखते हैं ना, वो चीज़ मेरी कभी पूरी वैसी ही नहीं होती है, मैं सच बता रही हूँ। और यहाँ पे सारे मंदिर के कपड़े हैं, ये वॉश करने रह गए हैं, ये सारे सर्दियों के कपड़े हैं, और मैं स्टोर में रख के ही भूली पड़ी हूँ कि मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि अब जब ज़रूरत पड़ेगी तो अब मेरे को निकालने ही थे, तो स्टोर क्लीन हुआ तो अब बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ से निकल रही हैं, जो हटानी भी हैं और जो रखनी भी हैं समेट के। तो कुछ चीज़ें होती है ना, हम रख के भूल जाते हैं कि हाँ अच्छा हमने यहाँ पे रखी थी वैसे वाला, तो बहुत सी चीज़ें अब मिल गई हैं तो वो सब सामान समेट के रख रही हूँ। और जितना मर्ज़ी हम घर को सेट कर लें, कैसे भी करके अच्छे से मैनेज करके रख लें, ऑर्गेनाइज करके रख लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो हम हमेशा ढूंढते ही रह जाते हैं और हमें मिलती नहीं है, लेकिन भूल ही जाते हैं हम रख के कि हमने रखी कहाँ पे है। तो ऐसा ये तो मुझे लगता है सबके घरों में यही हाल है, और ये सारा जितना भी DIY का सामान है और जितने भी हमने अनाया और मैंने मिलके जो भी हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ भी करना है वो सब एक बॉक्स में मैंने रख दिया है। और बाकी अनाया तो स्कूल से आ चुकी थी, वो भी कुछ कुछ लगी हुई थी हमारे साथ काम करने में, जब मैंने ये मेड को बुलाया था तब कुछ 1-1.5 बजे के टाइम कुछ ऐसा ही हो रहा था, तो अनाया जब स्कूल से आई थी तो वो भी साथ मिलके थोड़ा सा कुछ कुछ करने लग गई थी। और पता है अक्टूबर में कभी भी हमने आज तक कभी AC नहीं चलाया, अनाया और मैंने तो खासकर नहीं चलाया, मनु फिर भी बीच बीच में रात को चला लेते हैं, लेकिन अक्टूबर मंथ में कभी भी अनाया और मैंने नहीं चलाया, मुझे इतनी ठंड लगती है। तो इस बार तो अक्टूबर 9th हो चुकी है, लेकिन कभी कभी मुझे बीच में AC चलाना ही पड़ता है अनाया और मुझे, अनाया को तो वैसे ही बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्या रीज़न है पता नहीं, लेकिन इसको हद से ज़्यादा स्वेटिंग होती है। दो मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, 2-3 सेकेंड में ही इसको पसीने आ जाते हैं कुछ भी अगर ये एक्टिविटी करती है तो बस ऐसा ही है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, और अभी तक मैं फुल स्लीव्स में नहीं आई हूँ, नहीं तो अब तक तो मैं फुल स्लीव्स भी शुरू कर देती हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है इस बार। रात में भी, दिन में भी, दोपहर में भी कोई टाइम ऐसा नहीं है जब मैं बीच बीच में AC ना चलाती हूँ। और यहाँ पर स्टडी टेबल को भी सेट कर दिया है, और स्टडी टेबल पर अनाया का सामान अभी कुछ कुछ पड़ा है, वो अनाया सेट करेगी, वो कह रही थी मुझे अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है, तो उसे मत छेड़ना बिल्कुल भी, तो मैंने उसको नहीं छेड़ा, वो जो वो ही जाने, अनाया जाने, जैसे भी उसको करना है वही करेगी। मैंने जितना काम कराना था हेल्पर से मिलके, उसके साथ मैंने मिलके सारा काम करवा दिया है। तो स्टोर को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया वो तो मैंने अभी आपके साथ नहीं शो किया इस वीडियो में, क्योंकि उसने जितना साफ़ करना था, जिस तरीके से उसको सेट करके रखना था, उसने वैसे थोड़ा सा जल्दबाजी में किया था काम। मैं वैसे तो उसको सब कुछ बताती रही थी कि इसको इस तरीके से रखना, उस तरीके से रखना, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी मेरे अकॉर्डिंगली सेट नहीं हैं, और जब तक वो मेरे अकॉर्डिंगली सेट नहीं हो जाएंगी मैं कम्फर्टेबल फील नहीं करती हूँ। तो एक बार मैं उसको दोबारा से थोड़ा सा सेटिंग करके रख दूँ अच्छे से, 2-3 मिनट लगेंगे वैसे तो वो सेट करने में, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। और हो सकता है मैं भूल भी जाऊं, मुझे कई बार मेरे माइंड से भी निकल जाता है, लेकिन मैं लिख के रखूंगी। लेकिन अब मैं कोशिश तो यही करती हूं कि जो भी मैं आपको किसी व्लॉग में अगर कोई चीज़ बोल रही हूं कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ शो करूंगी, तो वो मैं लिख लेती हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमने लास्ट व्लॉग में क्या बोला था कि हम आपको ये शो करेंगे या वो शो करेंगे, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में भूल ही जाते हैं शो करने के लिए।
और अब मैं यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके रखने लगी हूँ। जो कपड़े अलमारी में एज इट इज़ रखने हैं, जो घर पहनने वाले होते हैं, वो मैं अलमारी में सेट करके रख दूँगी, और जो कपड़े प्रेस के ले जाते हैं उसे मैं गठरी उसकी बना के रख देती हूँ, और जो चादर है उसे मैं नहीं देती हूँ प्रेस के लिए, क्योंकि इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जब वैसे भी चादर को बिछा दो ना बेड पर, तो एक दो दिन बाद उसकी वैसे ही सलवटें निकल जाती हैं। तो बस चादर को तो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है, सिर्फ कुछ कपड़े ही जैसे हमें जो पहनने होते हैं वही देती हूँ मैं प्रेस के लिए, जैसे हमें कहीं बाहर जाना है तो वो एटलीस्ट प्रेस होना चाहिए। और अगर बाय चांस अनाया की यूनिफॉर्म प्रेस नहीं होती है तो फिर वो मैं घर पे कर लेती हूँ। एक्चुअली जो आती है ना धोबन, वो सिर्फ अपना वेडनेसडे और सैटरडे को आती है, रोज़ वाला नहीं है उसका सिस्टम कि जब आई तब दे दिया। और तीन चार कपड़े होते हैं तो वो नहीं लेके जाती है, उसको होता है कि कम से कम 10 कपड़े हों, 8-10 कपड़े हों तब मैं वो लेके जाऊँगी। तो इसलिए फिर मैं 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में ऐसे कपड़े करके इकट्ठे करके देती हूँ कि जब 10-12 कपड़े हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे तब देती हूँ। तो ये है हिसाब। और इसके बाद मैंने अपना खाना खाया था, बहुत भूख लग रही थी, मैंने लंच ठीक से नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि अब शाम के टाइम पे पैटीज ही खा लेती हूँ, और चाय साथ में अपने लिए बना ली थी। और उसके बाद मैंने अपना शाम का जो भी खाना वगैरह बनाना था, दाल और सूखे आलू की सब्ज़ी वो बनाया था, आलू कतली की जो सब्ज़ी होती है वो बनाई थी, और साथ में तड़का लगा दिया है। और बस ये था कि पहले मैंने सोचा था कि ये सब कुछ मैं पहले ही बना के फ्री हो जाती हूँ, लेकिन सच्ची बताऊँ तो मुझे आलस ही आ गया था सुबह के टाइम पे। फिर मैंने उस टाइम खाना बना के नहीं रखा, नहीं तो मेरी कोशिश यही होती है कि जिस दिन मुझे घर की डीप क्लीनिंग करनी हो ना, उस दिन मैं सुबह ही सारा खाना बना के रख देती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह के टाइम पर बहुत ज़्यादा आलस आ रहा होता है, नहीं मन करता कुछ भी एक्स्ट्रा करने का, बस ये होता है कि किचन के काम करो और बस ख़त्म हो गया काम। लेकिन फिर अब त्यौहार चल रहे हैं तो मुझे है कि शॉपिंग वगैरह करने से पहले, घर का कुछ ना कुछ मेकओवर करने से पहले, मैं घर की सारी सफाई जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूं। लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें करनी बाकी हैं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 1-2 रूम ही हुए हैं बस, ज़्यादा नहीं। तो बस धीरे धीरे लगी हुई हूँ कुछ ना कुछ करने में। और यहाँ पे मैंने डोंगे में सब्ज़ी डाल के रख दी है, इसको साइड पे रख दूँगी, और चावल भी गैस पे चढ़ा दूँगी, और साथ में माता रानी के लिए भोग तैयार करना है। तो कुछ टाइम 5:30 कुछ ऐसा ही हो रहा था, तो सोचा फटाफट से माता रानी के लिए भोग भी रेडी कर देती हूँ, फिर मैं 6 बजे तक पूजा भी कर लूँगी, आरती कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिंघाड़े के आटे का कतली जो है वो भी रेडी करूँगी, अभी तो ये हलवा रेडी हुआ है तो इसको ठंडा करके कतली बना लूँगी। तो आज ज़्यादा और तो कुछ नहीं प्रसाद में बनाया, और तो इसलिए मैंने कतली का भोग और एक नमकीन थी और साथ में चिप्स थे व्रत वाले, तो ये सब मैंने माता रानी को भोग लगाया था। तो बस ये आज की वीडियो मेरी बस यहीं तक की थी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, जय माता दी।